हरिद्वार स्थित बड़ा उड़ासीन अखाड़ा के कोठारी और साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत मोहनदास हरिद्वार से ट्रेन से मुंबई जाते वक्त रास्ते से लापता हो गए हैं। मोहनदास 15 सितंबर की रात को ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुए थे। मोहनदास का मोबाइल भी बंद है और वो मुंबई भी नहीं पहुंचे हैं। मोहनदास के लापता होने से साधु संतों में हलचल मची हुई है। पुलिस की टीमें मोहनदास की तलाश में तेजी से लगी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के अनुसार जब से अखाड़ा परिषद ने फर्जी साधुओं की सूची जारी की है मोहनदास को धमकियां मिल रही थी। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। भारतीय अखाड़ा परिषद के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे श्री महंत मोहनदास जी महाराज और बड़े उदासी अखाड़े के कोठारी पद पे थे। अच्छे महात्मा हैं। उनका अपहरण या इस तरह से गायब हो जाना मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से जो हमने लिस्ट निकाली फर्जी बाबाओं की उनके बाद धमकी भी आई थी, हमारे पास भी आई, उनके पास भी आई, हमको बताए भी, मगर डरने की जरूरत नहीं, लिस्ट निकाली जाएगी। बड़ा अखाड़े के महंत मोहनदास जी ट्रेन में सफर कर रहे थे और वो बीच रास्ते से गायब हो गए, तो जब यहाँ की जानकारी की गई तो ये पता चला कि 16 तारीख को मतलब जाना उन्हें 15 तारीख को था और लोकमान्य तिलक ट्रेन से जाना था और जो डिले होने की वजह से रात को 2:30 बजे करीब 16 तारीख को चली है और कल शाम 8 बजे करीब जब उनके जाने वाले उनको खाना देने के लिए ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन में नहीं थे। और इस खबर ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष का। आशीष, क्या अपडेट, कुछ पता चल पाया या नहीं, अभी भी पुलिस के हाथ खाली है? निदा, अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने बकायदा 2 टीमें बनाकर लोकमान्य तिलक यानी मुंबई और भोपाल, जहां पर चूंकि इनको खाना देने के लिए किसी जानने वाले को ट्रेन में आना था वहां के लिए रवाना कर दिया। और एक टीम जो अभी भी थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिली है दिल्ली भी रवाना हुई है, क्योंकि ये ट्रेन दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन होते हुए स्टेशन होते हुए जाती है। तो ऐसे में पुलिस हर सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। खुद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी आज वहां पर आश्रम में पहुंचे, उन्होंने बकाया सब चीजों का जायजा लिया कि आखिर की कहां जा रहे थे, वो क्यों जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर की रहस्यमय प्रशिक्षुओं कहां लापता हो गए, परसों यहां हरिद्वार से चले थे और कल से उनका बकायदा नंबर भी बंद जा रहा है, तो ऐसे में आखिर की गए कहां है वो, ये एक बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि पुलिस ने बकायदा जो है यहां पर 3 टीमें यहां पर रवाना भी कर दी है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है, मोबाइल उनका स्विच ऑफ आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो सभी संत हैं, चाहे वो अखाड़ा परिषद हो या दूसरे अखिल भारतीय संत समिति हो, संतों में भी एक संतों में भी खासी जो है उनको कम से कम जल्दी वो आए। और वरिष्ठ संत थे अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता थे, अखाड़ा परिषद की अगर हम बात करें आशीष, तो वो और साथ ही पुलिस किस एंगल से जांच की दिशा को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि लगातार जब से फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी हुई थी तब से धमकियां भी मिल रही थी। बिल्कुल, इनको इससे पहले भी धमकियां मिली थी, खुद नरेंद्र गिरी ने जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं उनको भी धमकियां मिली थी और राष्ट्रीय प्रवक्ता है इनको भी धमकियां मिली थी। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता है कि भगवान न करे कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी हुई हो, लेकिन जो पुलिस है सभी पहलुओं पर बकायदा जांच कर रही है, इनके मोबाइल नंबर को बकायदा ट्रेसिंग तो लगाया गया है कि आखिर इनसे किन किन से बात हुई, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और 3 टीमें जो रवाना हुई है वो भी इसी क्रम में हुई है। नेदा जी, साथ ही एक चीज और जानना चाहेंगे आशीष, जिस तरीके से धमकियां भी मिल रही थी, जान को खतरा भी बताया जा रहा था, तो क्या ऐसे में महंत मोहनदास जो है क्या वो अकेले ही सफर कर रहे थे या उनके साथ उनके साथी भी थे? नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो अकेले सफर कर रहे थे, लेकिन पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि अगर उन्हें मुंबई जाना था तो इससे पहले भी जब भी वो मुंबई जाते थे तो यहाँ से जौहरी ग्रांड हवाई अड्डे से बकायदा हवाई यात्रा के जरिए जाते थे, लेकिन पहली बार जो है बकायदा उन्होंने ट्रेन का प्रयोग किया है वहां जाने के लिए, तो ऐसा क्यों किया, क्या कोई पहले से कोई बात थी या कहीं खुद वो कहीं खुद उन्होंने अपने आप को कहीं लापता करवा लिया या कोई और दूसरे कारण है, तो पुलिस बकायदा सभी पहलुओं पर पूरे मामले की पूरी गहनता से जांच कर रही है। जी बिल्कुल, चलिए आशीष तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पुलिस की एक टीम मुंबई एक टीम दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई है, पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है।